गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा. बेटा लेट कंटिन्यू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर टू द एड्रेस. हम स्नैपशॉट का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं द एड्रेस, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का. पहले भी हमारे जो हैं वो पांच लेक्चर हो चुके हैं. दिस वन इज़ द सिक्स लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ टुडे वी विल कम्प्लीट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इन द फर्स्ट वन वी डिड इंट्रोडक्शन एंड लेटर वी स्टार्टेड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड साइड बाई साइड वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन. साथ साथ हमने क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है और आज हम यहाँ पे इस चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे. जो हमारा लास्ट पॉइंट था बेटा, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ा है सुनिए एक बार. देखिए, एज द नेम सजेस्ट द एड्रेस, देर इज़ अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग एनी एड्रेस. जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, टाइटल से ही सजेस्ट हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा किसी ना किसी एड्रेस के रिगार्डिंग. द एड्रेस विच इज़ हाईलाइटेड हियर दैट इज मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एड्रेस, क्या है ये एड्रेस, किसका ये एड्रेस है. दिस इज़ द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, ये एड्रेस है बेटा मिसेस डॉर्लिंग का. डॉर्लिंग ऑफ नरेटर्स मदर, नरेटर्स मदर्स फ्रेंड. मिसेस डॉर्लिंग कौन है, नरेटर की मदर की फ्रेंड है. ठीक है, फ्रेंड ऑफ नरेटर्स मदर. एंड मेन पर्पज़ ऑफ हाईलाइटिंग दिस लेडी, यहाँ पे मेन इसको हाईलाइट करने का, फ्रेंड ऑफ नरेटर्स मदर. व्हाट इज़ हाईलाइटेड हियर, दिस चैप्टर हाईलाइट द प्रीवॉर सिचुएशन. ये चैप्टर हाईलाइट करता है बेटा प्रीवॉर सिचुएशन व्हेन नरेटर्स मदर गेव ऑल द बिलोंगिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग. जब उसने अपनी सारी प्रीशियस थिंग्स को किसको दे दिया, मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया. क्यों दे दिया, सो दैट सी कैन कीप दैम सेफ, ताकि वो उन सबको क्या रख सके, सेफ रख सके. एंड लेटर व्हाट हैपन, बाद में जो मिसेज डॉर्लिंग हैं, नरेटर वेंट एट दैट एड्रेस, नरेटर बाद में उस एड्रेस पे जाती हैं फॉर गेटिंग बैक दोज थिंग्स. हालांकि गेटिंग बैक तो रोल है नहीं, बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी दैम. पहले तो वो आती नहीं उस एड्रेस पे, बिकॉज शी वॉज हैविंग द फियर टू कन्फ्रंट दोज थिंग्स विच वर हैविंग कनेक्शन विद हर मदर, जिनका कनेक्शन उसकी मदर के साथ था, बिकॉज हर मदर वॉज नॉट अलाइव, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो अब अलाइव जिंदा नहीं थी. सो दैट्स वाई शी डजेंट वॉन्ट टू गेट बैक दोज थिंग्स. शी ओनली वॉन्ट टू टच दैम, शी ओनली वॉन्ट टू सी दैम, शी ओनली वॉन्टेड टू रिमेंबर दैम. सिर्फ वो उन्हें याद करना चाहती थी, सिर्फ उन्हें टच करना चाहती थी, सिर्फ उन मेमोरीज को जो हैं वो एक बार फिर से अपने मन में जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस के साथ उन्हें सेफ रखना चाहती थी, संभाल के रखना चाहते थे. एंड द सेम थिंग हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर, यही चीज़ यहाँ पे इस चैप्टर में हाईलाइट की गई है कि हाउ डिड सी सफर व्हेन शी वेंट बैक एट द सेम एड्रेस फॉर गेटिंग बैक ऑल दीज थिंग्स. शी डिडंट गेट ऑल दीज थिंग्स बैक विच वर गिवन बाई हर मदर टू मिसेज डॉर्लिंग. ठीक है, मिसेज डॉर्लिंग की सेल्फिशनेस है कि पोस्ट वॉर सिचुएशन कैसे लोग जो हैं वो बुरे हालात में जो हैं वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कैसे ये चीज़ दिखाई गई है ये यहाँ पर बताया है. देखिए अब सुनते जाइए, यहाँ पे था देखो, फिर वो फर्स्ट टाइम गई. अब देखो मिसेस डॉर्लिंग का रिएक्शन रह गया, हमने क्या पढ़ा, मिसेस डॉर्लिंग के पास जैसे वो गई तो मिसेस डॉर्लिंग डिडंट कोऑपरेट विद हर एंड डिनाइड टू गिव ऑल दीज थिंग्स, बट शी डिसाइडेड टू गो एट द सेकेंड टाइम. लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं दूसरी बार ट्राई करती हूँ. लेकिन जब वो दूसरी बार गई, देन मिसेज डॉर्लिंग वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, हर डॉटर 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर. ठीक है, जो उसकी बेटी थी जो कि 15 साल की थी, 15 ईयर्स ओल्ड डॉटर ओपन द डोर एंड शी आस्क्ड रिगार्डिंग हर मदर. देन शी टोल्ड दैट शी वॉज एट इरेंड, कि वो जॉब पे गई हुई है. शी वेटेड, अब नरेटर वहाँ वेट करने लगी, बट वेन शी वेंट इन साइड द हाउस एट दैट टाइम शी वॉज सरप्राइज आफ्टर सींग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स मीन्स शी इवन शी यूज अ पर्टिकुलर लाइन आई वॉज इन अ रूम विच आई न्यू एंड विच आई डिडंट नो. एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती थी और जिस रूम को मैं नहीं जानती थी. जानती और नहीं जानती मतलब उन चीज़ों को जानती थी जो चीज़ वहाँ पे थी, लेकिन उस प्लेस से वो फैमिलियर नहीं थी. तो मतलब जैसे एंट्री करती सारी चीज़ों को वो जो है रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, वो सारी थिंग्स से जो उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी वो चीज़ें फिर से रिवाइव होने लग जाती उसके माइंड में, वो पेन वो रियलाइज़ करती हैं. तो अब वो वहीं पे बैठी हुई हैं और वही बातें चल रही है जो लास्ट पॉइंट ये था. आशी टोल्ड रिगार्डिंग दैट क्रोकरी व्हेन शी ऑफर टी टू हर, जब वो उससे चाय ऑफर कर रही है तो उस टाइम पे वो उसकी जो
वहाँ पे क्रोकरी उसने यूज़ की, उसको वो ऑब्ज़र्व करते कहते हैं कि बहुत अच्छी हैं, तो वो कहती है कि भाई यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स. उस लड़की को बोलती है कि तुम यूज़ टू हो गई हो इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने की, क्योंकि ये भाई तुम्हारे घर में तुम रोज़ देखती हो, और यू ओनली नोटिस वन समथिंग इज़ मिसिंग, कि जब चीज़ें तुम्हारी पास होती है ना, जब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ें गुम हो जाती हैं वो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है. मतलब तुम तब नोटिस नहीं करती इन चीज़ों को जब वो तुम्हारे पास है. मतलब वो इनडायरेक्टली कहना तो ये चाह रही है कि आज ये चीज़ें तुम्हारे लिए प्रीशियस नहीं हैं, आज ये चीज़ें तुम्हारे लिए प्रीशियस इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो तुम्हारे पास हैं. कभी हमारे पास थी तब हमारे लिए भी प्रीशियस नहीं थी, लेकिन जब वो तुम्हारे पास नहीं होंगी तो वो बड़ी प्रीशियस बन जाती हैं. तो यही बात कहती है कि जब वो चीज़ें गुम हो जाती हैं तभी उनकी इंपॉर्टेंस दिखती है, और जब उन्हें रिपेयर कराना होता है तभी आप उन्हें नोटिस करते हैं, या फिर आपने उन्हें किसी से उधार लिया है तब आप उन्हें उनका ख्याल रखते हो. इन तीन सिचुएशन में आप उनका ख्याल रखते हो, आप उनको याद करते हो. थिंग्स के बारे में बता रही है वो कि किसी भी चीज़ को नोट तब भी कर किया जाता है, या तो वो चीज़ मिस हो जाए, ठीक है, ख़त्म वो हो जाए, गुम हो जाए, या फिर वो चीज़ रिपेयर करानी हो, या फिर वो चीज़ आपने किसी से उधार ली हो, तब आप नोट करेंगे, तब आपको पता चलेगा और तब आप रियलाइज़ करेंगे कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस थिंग, कि इस चीज़ में कुछ गलत है. ठीक है, तो आगे सुनिए. आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना, और वो लड़की से बात कर रही है. किसकी लड़की से? मिसिज़ डॉर्लिंग की बेटी से बात कर रही हैं. ठीक है, डॉटर ऑफ मिसिज डॉर्लिंग. मिसिज डॉर्लिंग की बेटी ने कहा ना कि हमने तो कभी नोट नहीं किया इनके बारे में, इन सिल्वर्स के बारे में, इन जो है सिल्वर टेबल सिल्वर के बारे में, यूटेंसिल्स के बारे में मैंने कभी नोट नहीं किया. तब कहती है वो ये बात कि नोटिस कब करोगे? नोटिस तब करोगे जब तुम्हारी चीज़ें गुम हो जाएगी, नोटिस तब करोगे जब तुम्हें रिपेयर कराना पड़ेगा, नोटिस तब करोगे जब तुमने किसी से उधार लिया होगा. अब सुनिए. अगेन आई हर्ड द नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. अगेन दोबारा से मुझे वही अननेचुरल साउंड, मेरी आवाज़ जो है सुनाई दी. एंड आई वेंट ऑन, और मैंने कंटिन्यू सुनती रही और देखती रही. आई रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी मदर को याद किया मैंने. वंस आस्क्ड मी, जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. वो फिर पोस्ट प्री वॉर सिचुएशन में चली गई. मेरी माँ ने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ सिल्वर को पॉलिश करने में, सिल्वर को पॉलिश करने में, मतलब जो वहाँ पे यूटेंसिल्स हैं उनको पॉलिश करने में क्या मैं हेल्प करा सकती हूँ. तो इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, वो बहुत टाइम पहले की बात है. एंड आई वॉज़ प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज़ इल. और उस दिन शायद मैं घर पर ही रुकी हुई थी और मैं काफ़ी बोर फील कर रही थी शायद क्योंकि मैं बीमार थी. Because I was ill, ठीक है. And as she had never asked me before, उन्होंने मुझसे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था, कभी नहीं पूछा था. और एक ही दिन मेरी माँ ने कहा था. I asked her which silver. मैंने अपनी माँ से पूछा भी किस सिल्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. She replied. ठीक, मैंने उसे पूछा विच सिल्वर शी मेंट, उनका कहने का मतलब सिल्वर से क्या है. तो मेरी मदर ने रिप्लाई किया. एंड सरप्राइज्ड, मैं अपनी माँ का रिप्लाई सुन के मैं हैरान हो गई, सरप्राइज्ड हो गई. ठीक है, क्या? दैट इट वॉज द स्पून, बिकॉज ऑन दैट डे आई टोल्ड आई केम टू नो दैट दीज आर ऑफ ए सिल्वर स्पून फोक और नाइव्स. मतलब उसको भी नहीं पता था कि उसके घर में जो ये हैं स्पूंस हैं, फोक हैं या नाइव्स हैं, ये चांदी के बने हुए हैं. उस दिन जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि सिल्वर को पॉलिश करने में क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, देन आई केम टू नो दैट दीज आर मेड ऑफ सिल्वर. एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और बड़ी अजीब बात थी. आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर. जिस कटलरी को हम हर रोज़ यूज़ करते थे वो किसकी बनी हुई थी? सिल्वर की बनी हुई थी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेनली वो ये कहना चाह रही है इन बातों से, पता है किसी, कोई कंफ्यूज मत होना बेटा. देखो इन बातों से वो कुछ नहीं कहना, इन बातों से सिर्फ वो इम्पोर्टेंस बताना चाह रही है कि चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट कब होती हैं. ठीक है, उसके लिए भी वो सिल्वर जिसे वो डेली यूज़ करती थी दैट वॉज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं थी. दोज बिकेम इम्पोर्टेंट वेन हर मदर टोल्ड हर रिगार्डिंग दीज आर मेड ऑफ सिल्वर. हालांकि बताया इनडायरेक्टली, कोई बताने का इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन वो उसके लिए क्या बन गई? प्रीशियस बन गई, इम्पोर्टेंट बन गई. और नाउ टुडे ऑल्सो शी रियलाइज दैट डे, आप आज भी वो उसी दिन को याद करिए कि कैसे वो चीज़ें उसके लिए स्पेशल बनी थी. सेम इन द केस ऑफ मिसिज डॉर्लिंग डॉटर, यही चीज़ मिसिज डॉर्लिंग की डॉटर के केस में है. शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि डेली उसके पास जो चीज़ें हमारे पास होती ना, हम उनकी ये भी बात है कि
what we are having that doesn't matter to us. What we are not having, we are having a great desire to get that. जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे लिए मैटर नहीं करती, जो हमारे पास नहीं है हम उसको पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी वो हाईलाइट करती है कि उस लड़की के पास वो चीज़ है, उस लड़की के पास वो इतनी सारी वो थिंग्स हैं। आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन अगर वो चीज़ें सपोज करो गुम हो जाए, आप उनको 10 साल के बाद देखते हैं तो आप एकदम से आपकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, मान लो आपकी साइकिल है, छोटी सी साइकिल है आपकी, आप उसे 10 साल बाद जब बड़े होने के बाद देखें तो देन यू विल रिमेंबर दोज डेज वैन यू राइड ऑन दैट बाईसाइकिल, ठीक है, कि जब आप उस पर राइडिंग किया करते थे उस टाइम को आप याद करेंगे एंड दैट वुड बिकम वेरी प्रीशियस फॉर यू। वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रीशियस। तो यही बात राइटर कहना चाह रही है, समझ रहे हो ना बेटा। द गर्ल लव्ड अगेन, लड़की फिर से हंसी, किस बात पर, जो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था हम कटलरी जो रोज़ खा रहे हैं वो सिल्वर की है, मेरी माँ ने मुझे बताया। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, और मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे घर में जो स्पून है, फोक हैं या नाइफ हैं, ये सिल्वर के हैं। आई लुकड इंटेंटली एट हर, मैंने उस लड़की को बड़ी ही इंटेंटली का मतलब होता है केयरफुली, बहुत ही ध्यान से मैंने उस लड़की को देखा। एंड बट वी ईट विथ सी आज, उसने पूछा जिससे हम खाना खाते हैं वो पूछ रहे हो तुम, मतलब उस लड़की ने, उसने नैरेटर ने कहा उस लड़के को तुम्हें भी नहीं पता होगा तुम्हारे घर में जो यूज़ होती हैं वो कैसी हैं, तो उसने पूछा कि कौन सी जिनसे हम खाना खाते हैं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, वो रुक गई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉअर, आई विल लुक एंड इट इज़ इन हियर। वो साइड बोर्ड की तरफ जाती हैं, वो ड्रॉअर खोलना चाहती थी, आई विल लुक, वो मुझे दिखाना चाहेगी भी मैं देखूंगी, इट इज़ इन हियर, वो वहाँ रखी हुई, तुम देख के बता दो वो किसकी है, मुझे तो नहीं पता। इट मीन्स दैट गर्ल इज़ आल्सो नॉट अवेयर दैट, तो इसका मतलब वो लड़की भी अवेयर नहीं थी। आई जम्प्ड अप, लेकिन मैं खड़ी हो गई एकदम से। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैंने कहा कि मैं तो टाइम भूल ही गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो ट्रेन पकड़नी है। देखो अभी आई नहीं है मिसेज रोलिंग, उससे पहले वो खड़ी हो गई। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, अभी उसने ड्रॉर खोला भी नहीं था, उसका हाथ ड्रॉर पे ही था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, वो पूछती है क्या तुम मेरी मदर का वेट नहीं करोगी। नो आई मस्ट गो, नहीं नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, उसने ड्रॉर को खोला, ठीक है, ड्रॉर को ओपन किया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपने रास्ते पर चल पड़ी, नहीं मुझे जाना है, मेरे जो ट्रेन पकड़नी है। एंड एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, और जैसे ही मैं रास्ते भाई बाहर की तरफ निकली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स, मुझे वहाँ पे साउंड सुनाई दे रही है स्पून की और फॉक्स की। मतलब उस लड़की ने तो खोला ना, उसके अंदर तो क्यूरियोसिटी आ गई कि वो देखे कि उसके घर में जो स्पून है, फोक है, ये कैसी हैं, कि ये सिल्वर की है या नहीं है, तो मैं उनको देखने लगी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, रोड के कॉर्नर पे पहुंचने के बाद मैंने नेम प्लेट को देखा, मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, उस पर लिखा हुआ था नेम प्लेट पे मार्कोनी स्ट्रीट, क्योंकि ये एड्रेस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था उन चीज़ों को देखने के लिए और जो है याद, पुरानी यादों के पास पहुंचने के लिए। तो वो यही कहती है कि मैंने उस एड्रेस को फिर दोबारा से देखा, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पे पहुंच चुकी थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल ठीक था, बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लोज देयर वैल्यूज व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। अब समझना ध्यान से, क्यों याद नहीं रखना चाह रही हैं, सुनिए। आई वुड नॉट गो बैक, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड टू इन योर मेमोरी, आपकी मेमोरी से जुड़े हुए हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम, जो आपकी पहले वाली जो लाइफ है, पहले वाला जो समय था उससे, उसकी से जुड़े हुए हैं, फैमिलियर लाइफ, उस लाइफ से फैमिलियर हैं जो आपके पुराने टाइम की लाइफ है। एंड इंस्टेंटली एट द सेम मोमेंट लॉस देयर वैल्यू, एकदम से उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, कब, जब उन्हें व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम
जब आपको वो सर्व करें, वो चीज़ें दूसरा पर्सन सर्व करें, एंड यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और दूसरा आपको वो चीज़ें स्ट्रेंज सराउंडिंग में देखने को मिले, आपके घर पे ना हो, किसी और के घर पे हो, किसी और जगह पे हो, तो इसका मतलब वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस खो देती हैं। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ कि वो चीज़ें अब उसकी नहीं थी, उसके घर पर नहीं थी, उसकी नहीं रही थी, तो इसलिए उनकी वैल्यू उसके लिए क्या हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एंड वट शुड आई हैव डन विद दैम, अब मैंने उनका करना भी क्या है, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, देखो एक्सक्यूज देखना, मैं तो एक छोटे से रेंट में वाले रूम में रहती हूँ, एंड वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडो, जहाँ पे कि ब्लैकआउट पेपर के श्रेड्स जो हैं वो अभी भी जो है विंडोज़ पे लटके हुए हैं, मतलब बड़ा पुअर कंडीशन वाला रूम है, ठीक है, श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज, ब्लैकआउट पेपर समझते हो, ब्लैकआउट पेपर आपका वॉर की सिचुएशन होती है, ब्लैकआउट पेपर वॉर की सिचुएशन से क्या समझते हो, वॉर की सिचुएशन है, देखिए बेटा वो क्या कहती है कि जहाँ पे अभी भी ब्लैकआउट पेपर जो है वो विंडो पे लटका हुआ है, अब ब्लैकआउट पेपर विंडो पे लटका हुआ मतलब नाउ आल्सो दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्मॉल रूम में रह रहे हैं और बाहर का ब्लैकआउट पेपर जब मान लो विंडो पे ब्लैकआउट पेपर लगा दिया तो बाहर का दिखाई नहीं देगा ना, यू आर नॉट एबल टू इन्जॉय योर लाइफ, मीन्स नाउ आल्सो दे आर इन पेन, अब भी कहीं ना कहीं पेन में है, एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और अब उनके पास छोटा टेबल ड्रॉर है जिसके अंदर सिर्फ एक हैंडफुल कटलरी समझते हो ना, कि सिर्फ मुट्ठी भर जो कटलरी है वही यूज़ हो सकती है, शी इज़ नॉट हैविंग सफिशियंट प्लेस, उसके पास सफिशियंट प्लेस नहीं है, एंड आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, अब मैंने बिल्कुल डिसाइड किया, रिजोल्व मीन से डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने डिसाइड किया कि मैं एड्रेस को भूल जाऊंगी, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मैं उन सारी चीज़ों को मुझे भूलना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी ईजीएस्ट, और अब मेरे लिए बहुत ईजी होगा, अब ईजी क्यों होगा, नाउ शी हैज़ सीन दोज थिंग्स, नाउ शी हैज़ टच्ड दोज थिंग्स, नाउ शी हैज़ रियलाइज्ड शी गॉट दोज थिंग्स इन अ स्ट्रेंज एनवायरमेंट, नाउ दोज थिंग्स हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज, अब उन चीज़ों की वैल्यू उसकी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, बिकॉज नाउ दे आर इन अ स्ट्रेंज एनवायरमेंट, क्योंकि वो कहाँ रखी हैं, स्ट्रेंज सराउंडिंग में रखी हैं, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर वन, किसी और की प्रॉपर्टी बन चुकी हैं, शी इज़ नॉट हैविंग सफिशियंट रूम, उसके पास सफिशियंट रूम नहीं है, और अगर आप पहले वाली बात भी याद रखें, शी डजंट वॉन्ट टू गेट दैम बैक, उसने एक बार भी चैप्टर में ये नहीं कहा कि वो उन्हें वापस चाहती है, नो शी ओनली वॉन्ट टू सी दैम, शी ओनली वॉन्ट टू टच दैम, शी ओनली वॉन्ट टू रिमेंबर दैम, और ये चीज़ें उसने कर ली, उन्हें देख भी लिया, टच भी कर लिया, और अब वो उनकी मेमोरीज़ के साथ वापस अपनी जो है वो चली गई, एंड शी डजेंट वॉन्ट टू गेट दैम बैक बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर वैल्यूज, क्योंकि उन चीज़ों की वैल्यू उसकी लाइफ में ख़त्म हो चुकी है। तो मेन क्वेश्चन यही बनता है बेटा, वाई डिड शी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस, कि वो एड्रेस क्यों भूलना चाहते हैं, ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके टेक्सुअल क्वेश्चन को भी और कुछ मोर क्वेश्चन को भी, ओके, आई होप यू गॉट ऑल दीज थिंग्स, सारी बातें समझ आ गई होंगी, क्वेश्चन भी हालांकि मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं, कोई डाउट हो तो बेटा आप मैसेज कर देना, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी।